कहते हैं योग्यता को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन योग्य बनने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता जरूर होती है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। एक शिक्षक अपनी मेहनत से आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देता है। यही कारण है कि शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर माना गया है। इसी तरह बेहतरीन नजीर बने कांकेर के पखांजो नगर पंचायत के प्राथमिक शाला के शिक्षक अजीत ठाकुर, जिन्होंने अपने मेहनत और सूझबूझ से शासकीय जर्जर स्कूल को आज एक मॉडर्न स्कूल में तब्दील कर दिया है। देखिए, चुनौती तो थी हमारे सामने, बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम किस तरीके से शाला के दर संख्या को बढ़ाए और बच्चों में फिर से वो उत्साह और वो आकर्षण को पैदा करें। सबसे पहले हमने इसके प्रति विचार किया कि किस तरीके से हम क्या कर सकें, किस शाला के प्रति बच्चों को आकर्षित करें और उनके पालक को आकर्षित करें। और हमने एक प्रयास किया और चित्र के माध्यम से पूरे दीवार में और पूरे शाला के रंग रोगन कर शाला की स्थिति को अच्छा बनाया। और आज स्थिति यह है कि बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं और हंसते खेलते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चूँकि यह जो क्षेत्र था नगर पंचायत का क्षेत्र है और आसपास बहुत सारे निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, और सभी पालक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिला रहे थे और इस स्कूल की दर्ज संख्या बहुत कम हो रही थी। तो ये विचार करने वाला एक प्रश्न था कि इस पर हम किस तरीके से काम करें। और हमने देखा कि अगर हमको निजी स्कूल और प्राइवेट स्कूल से अगर हमारा सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना है तो उसको हमको उससे बेहतर करने की आवश्यकता है। और हमने उस पर पूरा ध्यान दिया और मेहनत करके आज स्कूल को इस लायक बनाया है और इस स्कूल में पालक और बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस स्कूल में कभी छत से पानी टपकता था तो दीवारों पे दरारें हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में उस जर्जर स्कूल की दीवारों पर दरारें नहीं बल्कि खूबसूरत शिक्षा प्रद चित्र की कलाकारी दिखाई देती है। यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे दीवारों पर बने चित्रों से पढ़ने लगे हैं, जिससे उनमें ना सिर्फ पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है बल्कि उनके बौद्धिक स्तर में भी वृद्धि हुई है। ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान शिक्षक अजीत ठाकुर ने कहा कि ये मेरा छात्रों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है। उन्होंने बताया कि उनके इस नेक काम में उनकी धर्मपत्नी पिंकी ठाकुर, जो स्वयं भी एक शिक्षिका हैं, वह सहयोग करती हैं। और ऐसा हो गया कि आज गांव में अगर किसी घर में अगर बच्चे आ रहे हैं, किसी भी गांव के हो, आज वो एक मतलब घूमने स्वरूप आकर किसी भी गांव के बच्चे अगर अपने मेहमान बनकर किसी घर में आते हैं तो वो भी हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और बच्चे सुबह से ही स्कूल में आकर खेल खेल में और चित्र के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। कहावत है, जहां चाह है वहां राह है। इस बात को साबित करते हुए अजीत ठाकुर ने स्कूल का कायाकल्प कर दिया, जो पखांजुर वासियों के लिए एक नजीर है। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।